तो पता नहीं कहाँ कहाँ चीजें रख देते हैं ये लोग, ढूंढ ढूंढ के थक जाती हूँ, मिलती ही नहीं है। खुदाया इन दराजों में क्या मिलेगा, इतना तो गंद फैला हुआ। बीना क्या जरूरत थी तुम्हें उसके तनख्वाह के बारे में बात करने की? मैं नहीं पूछूंगी तो और कौन पूछेगा, और क्यों ना पूछूं? महंगाई देखी है आपने, आसमानों को छू रही है, हम खामखा रहे हैं, किसी का बोझ क्यों सहे? मेरे अकलौते भाई की अकलौती निशानी हो, उसे बोझ तो ना कहूं। वो बोझ है और बोझ ही कहूंगी। आपके भाई भाभी तो ये सोचकर मर गए कि उसकी शादी हो चुकी है, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, लेकिन वो मनहूस मारी एक शादी के बाद बेवा होकर मेरे सर पर आन बैठी, सासू सर ने भी घर से चलता कर दिया। मेरा क्या कसूर है? बेचारी नौकरी करके तो अपना पेट पाल रही है, तुम उसे बोझ कह रही हो। इस घर में रहने के लिए एक थोड़ी सी जगह दे रखी है तुमने उसे, और उसके लिए घर का सारा काम कराती हो। बस बस रहने दीजिए, सारा काम करवाती हूँ। आपको हमेशा हमदर्दी अपने रिश्तेदारों से रही है और उन्हीं से रहेगी। मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करके भी बुरी रही, बुरी हूँ और बुरी रहूंगी। दीना इस मासूम का पीछा छोड़, छोड़ दो उसका पीछा, उससे जिंदगी में कम दुख सहे। अब आ गई मेरी जिंदगी दुखी करने के लिए, आपसे तो बात करना ही फजूल है। बस अम्मा क्या बताऊं मैं, पता है हमारे पीर साहब के पास एक इतनी बड़ी सियासतदान आई थी, तो अब आप अंदाजा लगा लें कि पीर साहब की कितनी पहुंच होगी। हाँ देखना, इतने बड़े बड़े ओहदों वाली औरतें भी अपने शौहरों के हाथों परेशान है। वाकई अम्मा। अच्छा चल तू मुझे ये बता, आशिक का रवैया कैसा है तेरे साथ? पहले से तो अच्छा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आशिक बिल्कुल पहले जैसा हो जाए मेरे साथ। अगर ऐसा हो गया ना अम्मा तो मजा आ जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा, तू तसल्ली रख, जैसे जैसे पीर साहब कहते जाए वैसे वैसे तू करती जा। अबे यार दो हफ्ते गुजर गए, खुदा की कसम दीदार नहीं हुआ यार। यार आशिक भाई ऐसे कोई बूढ़ी भटकी आ गई होगी ना, मतलब मेरी कोई परमानेंट कस्टमर नहीं होगी वो। मेरा दिल कहता है कि दोबारा मुलाकात जरूर होगी, खुदा की कसम बस एक दफा और दीदार हो जाए ना, दस फकीरों को खाना खिलाऊंगा। हाँ आशिक भाई वैसे मेरे को समझ नहीं आ रही है, वो कैसा कैसा जादू कर दिया उसने आपके ऊपर, मतलब जब से उसको देखा बांगले हो गए आप। तू नहीं समझेगा बेटे, ये मोहब्बत है जो हो जाती है, ये उसका जादू है। तेरी आ गई कौन आ गई? अबे वो जा रही है सामने, तुझे अंधा है क्या? ओ भोजन वाले आना, मैं जाता हूँ। नहीं बल्कि काम कर, तू जा जो कुछ उसे चाहिए वो लेके दे, और उसके बाद मैं ये निकलेगी तो इसके पीछे पीछे इसके घर तक चला जाऊंगा, मैं स्कूटर लेकर आया। सुन क्या हो गया? महंगा मत देना कुछ भी। हाँ वाह कमाल है आज की, आपको तो नुकसान मतलब हम उठाए। मुझसे ले लेना जो ऊपर का फायदा होगा, रिटेल प्राइस दे, रिटेल प्राइस। चल जा चल चल, जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। कितना टाइम है खाने में? बहुत भूख लग रही है मुझे। बस 15 मिनट और है। कड़ी के साथ क्या आप चावल पका रही हो? रोटी चावल। हाँ चावल अच्छे लगते हैं कड़ी के साथ। जिंदार के रोने की आवाज आ रही है। हाँ पता नहीं अब क्यों रो रहा है, मैं देखती हूँ।
क्या कर रही हो तुम मेरे बच्चे के साथ? अब कुछ नहीं, मैं तो बस प्यार कर रही थी। प्यार कर रही थी, ऐसे मारना चाह रही थी? ऐसी बातें कर रही हो रिजवाना, मैं क्यों मारने लगी इस मासूम को? क्योंकि तुम उससे जलती हो। जैसे तुम्हारा बच्चा मर गया ना, तुम चाहती हो कि वैसी मेरा बच्चा भी मर जाए। होश तो करो, तुम क्या क्या रही हो? औलाद को खो देने का गम अच्छी तरह से समझती हूँ। खुदा ना करे किसी दुश्मन को भी इस तकलीफ से गुजरना। मैं तो बस प्यार कर रही थी इसे। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं आइंदा कभी इसको प्यार नहीं करूंगी। अभी तक नहीं आया आशिक भाई, पता नहीं कहाँ रह गए। जी हेलो, आ गए। ये आ गए आशिक भाई। अरे भैया कहाँ रह गए थे? अरे यार बस ना पूछ ना पूछ, अबे कहाँ फंस जाता है ये। चलो हाँ जबाश जी, तू जा रहा उधर। सब मालूम करा है उसके बाद में। अच्छा मतलब कैसे? कैसे का मतलब, वो दरअसल में उसके घर के पास मेरा एक दोस्त रहता है। अरे वाह, ये तो कमाल हुआ अजय भाई, तो क्या पता लगा उसके बारे में? फिर यार बड़ी दुखी दास्तान है इस लड़की की। तो क्या हुआ यार, इतनी सी उम्र में बेवा हो गई। अरे अरे मतलब इतनी सी उम्र में? शादी के एक साल के बाद ही इसके शौहर का हादसा हुआ। माँ बाप पहले नहीं थे, चचा चची के पास रहती है, स्कूल में पढ़ाती है, बस ऐसी जिंदगी गुजार गई बेचारी। वैसे आशिक भाई आपने भी कमाल ही कर दिया, कमान से इतनी देर में सारी मालूमात लेकर आ गए लड़की की। हैं अरे बाप राम, आप जो पता चल गया कि बेवा है तो इश्क विश्क तो उड़ गया सारा। क्या बात कर रहा है वे, जिस लम्हे मुझे ये मालूम हुआ ना कि वो बेवा है, तब से मेरा इश्क 100% और बढ़ गया उसके लिए। सच्ची में कसम खुदा। शादी तो नहीं करोगे? क्यों नहीं करूंगा बे, पागल हो गया? बेवा से शादी करने का बहुत सवाब मिलता है। हमारे आशिक भाई वैसे सारा सवाब आप शादियां कर करके कमा लो, हम लोग ऐसी नमाज और रोजे में पड़े हुए हैं। अगर छोड़ो मेरे को ये बताओ, घर में जो बिठाई हुई है तीन तीन, उनका क्या करोगे? अबे क्या करूंगा क्या मतलब भाई, जैसे सुकून से वो रह रही है वैसे ये भी रहेगी शहजादियों। जवाब है आपका आशिक भाई, है ना? ये तो है। फिर जबार अभी ठंडा पिलाया और थक गया सुबह से घूम घूम के। तेरे और लैला के बीच में क्या बहस हो रही थी? कुछ नहीं, उसने जेबू को गोद में उठाया था तो मुझे लगा कि वो उसे नुकसान पहुंचाएगी, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सुना दी उसे। ये तो बहुत अच्छा किया, एक बात का ख्याल रखना, उससे ना बच्ची को बचा के रखना भाई, नजर लग गई तो क्या होगा। अरे ये नजर तो इतनी बुरी चीज है कि पत्थर को भी लग जाए तो वो भी टूट जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि उसी की नजर लगेगी, नजर तो माँ की भी लग जाती है, बस जरा एहतियात रख। सही कह रही हो अम्मा, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी इस बात का। ये बता मुझे कि तू उस लड़की का घर मेरा रिश्ता लेकर जाएगा? मैं आज भाई मतलब कर रहा, मैं क्या कर रहा है यार, तू भाई है मेरा छोटा, तू नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा मेरा? आज भाई अपनी अम्मा को बोलो ना, मतलब वो चली जाएंगी। हाँ भाई चली ना जाए, उल्टा जूती लेके मेरे पीछे पड़ जाएंगी। बातें कर रहा है आप कौन से बिना वजह के झंझट में पड़ गए आप लोग? जानता नहीं है खुदा की कसम, अबे इश्क हो गया इस लड़की से, वो भी सच्चा। हाय हाय, अभी थोड़े महीने पहले सच्चे वाला इश्क हुआ था आपको वो लेला के साथ, तो भैया उसका क्या हुआ? अबे आज वो देखो मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ इस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, मतलब अपने पहले वाली तीन बीवियों पे ध्यान दो यार, अरे बच्चों पे ध्यान दो यार। महंगाई कितनी हो गई है मालूम है ना,
अभी एक फर्द को और घर में लेकर आओगे, शादी करोगे तो बच्चे भी होंगे ना, अब इस उम्र में बच्चे करते कैसे लगोगे सोचो। आप जिसे शादी करोगे मतलब आपसे उम्र में आधी होगी वो, ईमान से हो गई तेरी तकरीर। अबे इतना ही शौक है तो सामाजिक काम शुरू कर दे। आशिक भाई आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ मैं, ईमान से बात सुन ली, तू जाएगा या नहीं जाएगा मेरे को बता दो यार। अबे हाँ या ना में जवाब चाहिए, इधर उधर की बात नहीं। अच्छा ना आशिक भाई जाऊंगा। अब ये कर देना भाई वाली बात, ईमान से दिल खुश हो गया मेरा, जा कह रहा हूँ तुझे, चांद सी दुल्हन मिलेगी, दूध हो ना हो पू दो फलो। हाँ से कोई बचेगी तो मतलब मेरे को मिलेगी ना ऐसे ही। अरे क्या बातें कर रहा है, अपनी तो चार हो गई, अब खत्म चांस, अब तो तेरी बारी है। कसम खा लो इस बात पे, कसम खुदा की खुद ढूंढ के दूंगा तुझे, ये खा और मेरी बात। हाँ आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो फिर मैं फिर से माँ क्यों नहीं बन पा रही डॉक्टर साहब? देखिए आप थोड़ा सा टाइम लें, जब अल्लाह को मंजूर होगा वो आपको औलाद से नवाज देगा। आप ज्यादा सोचा मत करें, क्योंकि ये भी एक वजह है जिसकी वजह से औरतें माँ नहीं बन पाती। फिर मैं क्या करूँ? आप सिर्फ खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए, काफी कमजोर होती जा रही हैं आप। अच्छा मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, आप इसे कंटिन्यू यूज कीजिएगा, और कुछ टेस्ट भी है वो आप टेस्ट भी करवा लीजिएगा। स्कूटर के पीछे लेना, यही वाली यही, लेकिन दूर रखना। तो वो गली में मोड़ा, उस गली में ले लेना। आशिक यहाँ क्या कर रहा है? चलो भाई भाई। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? अबे भाई क्या करूंगा काम के अलावा, कहाँ हो? भाई दुकान पे हूँ, और कहाँ होऊंगा, ये कैसे सवालात कर रही हो तुम? वैसे डॉक्टर के पास गई थी मैं। अच्छा तो क्या कहा है डॉक्टर ने? कुछ नहीं कहा, ताँ सब नॉर्मल है, बस थोड़ा वक्त दो। हाँ तो मैंने भी तो यही कहा था तुमसे। तुम दुकान से कुछ देर पहले कहीं निकले थे? अरे क्या फिजूल की बातें कर रही हो तुम, मैंने कहाँ जाना है, दुकान पे खड़ा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ। कहीं नहीं गए। ये फिजूल सवालात करने के लिए फोन किया तुमने, साथ मेरे सामने खड़ा है और इस तरह की बातें कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें?
घर आऊंगा तो आराम से बात करेंगे, रखता हूँ। क्या हो गया? पता नहीं। पहले वाले रंग ढंग आ गए इसमें, हैं? चलो अच्छा है, बेचारी अपने बच्चे के सदमे से तो बाहर निकली। हाँ वैसे वाकई अम्मा, इसे अचानक ही कुछ हो गया नहीं? खैर ये शनाज अब तक नहीं आई, कब से गई है पड़ोस में? आती होगी, वो तो जहाँ जाती है वहाँ बैठ ही जाती है बस। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस ये बता कि तू रिश्ता लेके कब जा। आशीष भाई आपको जवान दिया मैंने तो जाऊंगा ना, लेकिन पहले मालूम तो कर लो, इनकार तो नहीं हो जाएगा? कैसे हो जाएगा इनकार यार, इतना अच्छा रिश्ता है। यार आशीष भाई कितनी बार समझाया आपको, आपको बात समझ नहीं आती है। अभी तीन तीन बीवियां हैं आपकी, पता नहीं कितने सारे बच्चे हैं। ठीक है छोड़ लो, ऊपर से आपसे आधी उम्र की लड़की है आशीष भाई, मतलब क्यों शादी करेगी आपसे? भाई आधी उम्र की है पर कुंवारी तो नहीं है ना, बेवा है। और देखो घर वालों पे कितना बोझ होता है बेवा बेटी का, तुम क्या जानो? कितने खुश होंगे जब वो बेवा बेटी की शादी हो जाएगी, तो मैं तो भला करना चाह रहा हूँ उसका। भाई सोच लो एक बार, समझे? प्यार करने वाले सोचते वोचते नहीं है, बस कर जाते हैं। अब इनकार हो जाएगा तो फिर मेरे को नहीं, मत बोलना, मुंह बना के बैठ जाते हो सास के ऊपर, वो मेरे से नहीं देखा जाता। चला जा यार भाई, आज ड्यूटी पे नहीं जाना? नहीं वो आज रात की ड्यूटी है। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? घर जाने के बाद हमने यार को बुला लिया है क्या? किस किस्म की वाहियात बातें कर रहे हो मुझसे, शर्म नहीं आती? बीवी हूँ मैं। अरे तुम्हें शर्म आने वाली क्या बात है, मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था तुमसे। मेरी दूसरी बीवी तो यही क्या करती थी? वो करती होंगी, मैं नहीं करती। तुम कर भी नहीं सकती, तुम्हें पहरा जो बिठाया हुआ है मैंने। अरे सुनो तुम खाली चाय क्यों लाई है, जा कुछ और भी ले आ, चल बिस्किट वगैरह ले आ। अरे बेटा हेलो हेलो, इधर 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 इधर। क्या बताऊं, मेरी तो गले की हड्डी बनकर रह गई है, ना निगली जाती है ना उगली जाती है, ऊपर से इस कम उम्र में विवाह हो गई है। ये तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कोई बच्चा बच्चा नहीं था, अगर बच्चे हो जाते तो और मुसीबत होती मेरे। बस भाई क्या करूं, मैं तो चाहती हूँ कोई ऐसा रिश्ता आ जाए कि इसका फौरन रिश्ता हो जाए, चाहे जैसा भी क्यों ना हो, कभी बुड्ढा हो, कमारा हो, छड़ा हो, रंडवा हो, कुछ करता हो नहीं करता हो, कैसा भी हो, बस इस मुसीबत से मेरी जान छूट जाए एक मरीज। तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता हो तो बताना प्लीज, मैं तो तंग आ गई हूँ। कोई कहना नहीं मानती, कोई काम नहीं करती, सारा दिन आंखें दिखाती है, और ऊपर से चाचा उनको भी अपनी तरफ कर लिया। पहले मैं कुछ भी बोलती थी वो बोलते नहीं थे मेरे आगे, चुपचाप सुनते रहते थे, अब मैं कोई भी बात करती हूँ वो तो ऊपर से आते हैं।
चल चल मेरे छोड़ ये प्यार। अरे वाह वाह क्या बात है भाई, आज तो बड़ी तैयारियां हो रही हैं। इतने दिनों बाद तुम्हें इस तरह तैयार होते हुए देख के ताज्जुब हो रहा है मुझे। वैसे बस ऐसे दिल चाह रहा था मेरा आज। अच्छी बात है। मुझे पता है आज दोपहर में तुमने मुझसे झूठ बोला। कौन सा झूठ? यही कि तुम सारा दिन दुकान पे थे आज, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें छोटी चुरंगी पे देखा। मैंने रक्षे में तुम्हारा पीछा किया था, तुम वहां खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे। तब दोपहर में? ओफो, मैं तो सलीम को लेने गया था। असल में उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई तो उसने मुझे फोन करके कहा कि आशिक भाई मुझे दुकान खोलनी है तो आगे ले जाएं, तो मैं 5 मिनट के लिए गया हूँ, उसे लिया और वापस आ गया। ये क्या तुमने बात कर दी? मतलब तुम सच कह रहे? भाई तुम्हारी कसम मैं झूठ कैसे कह सकता हूँ? पता नहीं क्या मतलब। अरे भाई तुम्हें अपने आशिक पर भरोसा नहीं है? पता नहीं क्या लैला, भाई मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या बात कर रही हो? सच? जान जी झूठ बोलू ना तो तुम्हारा मरा मुझे। चाय लाओ। टाइम पे सलीम याद आया। आजकल आशिक की और लैला की आपस में बड़ी बन रही। हाँ मैं भी यही देख रही हूँ। आशिक को आजकल मैं देख रही हूँ कुछ बदले बदले अंदाज हैं उसके। क्या मतलब? मतलब ये कि बिला वजह खुश होता है, गाने गुनगुनाता रहता है। कहीं फिर से तो उसका कोई चक्कर नहीं चल रहा? मैं भी यही सोच रही थी। नहीं शनाज ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अब ऐसा क्या हुआ है जो ये सब नहीं हो सकता? वो आशिक है आशिक। कल फिर से पीर साहब के पास जाना पड़ेगा। क्या सोच रही है? हाँ नहीं कुछ नहीं। चल छोड़ जल्दी से बर्तन समेत। जब्बार जी। आशिक भाई दुकान संभाल, मैं जरा 2 मिनट में आया आ रहा हूँ। ठीक है आशिक भाई। सलीम सलीम चुप जा, जल्दी से चुप जा। आओ यार चुप ना, मैं
भागते हुए क्यों आ रहे हो? अबे हट यार। कौन आ रहा है? अबे छुप ना। अच्छा पीछे तो तेरी होने वाली भाभी आ रही है। छुप जा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो वाला कंडीशनर चाहिए जी। और ये वाला शैम्पू दे दें। क्या दे दूं? ये वाला कंडीशनर। अच्छा ये वाला जी। जी जी। अच्छा कितने पैसे हुए? पैसे क्या कर रहे हैं, छोड़िए पैसों की जरूरत है, आपकी अपनी दुकान है। आप दुकान तो मेरी है। नहीं नहीं ऐसे कैसे, पैसे बताएं कितने हुए? नहीं नहीं कोई पैसे नहीं, आप ऐसे ही ले जाइए। ऐसा कैसे, आप पैसे बताएं कितने हुए? पैसे 500 रुपए। 500 जी। ये है? सुशर्मिया क्या कर रहे हैं? ओहो क्या बदतमीजी है ये, क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मैं गलती से हो गया। वो गलती से हो गया? छोरा आदमी, पकड़ अपने पैसे। ओए यार भाई क्या कर रहे थे आप? हैं पता नहीं यार, समझ में नहीं आया, बस हो गया। ऐसे कैसे हुए आप भाई, मतलब कोई ख्याल दिया करो। मैं तो सिर्फ उसकी आंखें देख रहा था तो। भाई सुसर भैया। हाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, क्या होना है? सुसर भैया मैंने सब कुछ देख लिया है। वो कैसे तो बोली बाली लड़की का हाथ पकड़ के खड़े थे तुम? आए देख लिया ना? ठीक है देख लिया होगा, तुमने काम से काम रखो तुम। हाँ अरे ऐसी भोली भाली लड़कियों को आप जैसे छेड़ने वाले मर्दों से बचाना ही मेरा काम है। यही काम है इसका, जिंदगी आराम से कर लिया बकवास तो जाओ फिर यहाँ से। अरे अभी तो मैंने बकवास शुरू की नहीं है जुजर मियाँ, और आपका गुस्से से चेहरा लाल पीला हो रहा है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर दोबारा वापस आऊंगा, नजर रहेगी तुम पर मेरी। ठीक है कहीं पता नहीं अपने आप को क्या, कोई शर्म लिहाज ही नहीं रहा लोगों का। आशिक भाई मैं बोल रहा हूँ आपको, मतलब आपको ऐसे किसी भली लड़की का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था ईमान से। अरे गलती हो गई यार, मिलेगी दोबारा तो माफी मांग लूंगा। माफी तो तब मांगोगे ना जब दुकान पे दोबारा आएगी वो हमारे। चलो तुम्हारी दुकान पे नहीं आएगी, लेकिन उसका घर तो देख लिया मैंने। देख लो आशिक भाई कहीं लड़की को छेड़ने के जुर्म में पेट पेट ना जाना, वो भी इस उम्र में। क्या मेरे को क्या बोल रहे हो? गलती खुद करते घूरते मेरे को यार। और एक और बात सुन लो, शोहर ने देख लिया, देखना जंगल में आग की तरह फैलाएगा बात को, बता रहे हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अरे भाई अरे रुक जा भाई। ये क्या हुआ है? अरे यार मत पूछो भाई, मत पूछो समीना। वो क्या है कि हम ड्यूटी पे थे ना, पुल के नीचे से कमीनों ने दस्ती बम से हमला कर दिया भाई। ये तो शुक्र है कि मैं सिगरेट लेने के लिए खोखे पे चला गया, हमारे दो बेचारे सिपाही वहीं को भी शहीद हो गए। काश इन सिपाही की जगह तुम मर जाते। क्या सोच रहे भाई,
मैं समझ गया तू क्या सोच रही है। तू सोच रही होगी कमीना तू कैसे बच गया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरी बहुत लंबी उम्र है, अभी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ मैं। मुझे पता है बुराई इतनी जल्दी नहीं जाती। नहीं, मैं क्यों सोचूंगी कुछ ऐसा। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ, तुम इधर ही रुको। अच्छा सुनो यार, वो चाय के साथ कुछ खाने पीने के भी लाना, वो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है ना, बोला है कि खाने के बाद खा लेना दवाई। अरे सालो, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। क्या मुसीबत है, ये कहां से आ गया। देखें सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको शर्म नहीं आती इस तरह से पीछा करते हुए। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। जानता हूँ आप ऐसी वैसी लड़की नहीं है, दरअसल वो जो मुझसे कल हरकत हो गई उसके लिए माजूद करना चाह रहा था, हो सके तो माफ कर दीजिएगा बस। जी मैंने आपको माफ किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ अब? देखें आप आइंदा से मेरा पीछा मत कीजिएगा। जी मैं एक शरीफ लड़की, अगर लोग देखेंगे तो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत मुश्किलात हैं, आप उनमें मजीद इजाफा ना करें। बिल्कुल। निकाल के भी देने जा रहा है मुझे, देख नहीं रही सालों ने बम मारा है मुझे, तकलीफ है मुझे इतनी। सही है, रोटी भी दे दे। ऐसे और कितने दिन की छुट्टी मिली है तुम्हें? क्यों क्या हुआ, घर में बैठा तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मैं? हाँ भाई। नहीं मैं वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा, अरे हाँ भाई मैं तुम्हें एक ताजा खबर सुनाना भूल गया यार। कौन सी खबर? वो तुम्हारा अब्बा है ना, उसको मैंने एक लड़की को छेड़ते हुए पकड़ा है भाई। हाँ ये क्या बकवास कर रहे हो शौकत? बकवास नहीं कर रहा मैं, बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। हाँ वो उसका दोस्त है ना सलीम, उसकी दुकान में बैठा हुआ था तो लड़की है, उसके हाथ भी उसने पकड़ लिया। ये क्या बात हुई भाई, ये कोई शराफत है? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरे अब्बा ऐसे नहीं है। माना कि वो दिल फेंक जरूर है, लेकिन इस तरह वो हाथ पाथ नहीं पकड़ सकते किसी का। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बड़ा एतमाद है अपने अब्बा पे, कभी हम पे भी इतना एतमाद कर लो। अच्छा मुझे ये बता कि तुम लोग मुझे इतना बुरा समझते क्यों भाई? हम समझते नहीं है, तुम वाकई बुरे हो। क्यों भाई मैं बुरा हूँ? ऐसा क्या किया है मैंने बता दो। अरे तुमसे मोहब्बत की है हमने, इज्जत से बीवी बनाकर रखा है घर में तुमको, अगर ऐसे उठा के ले जाता तो किसी में दम नहीं था मुझे रोकने के लिए। तुम्हारे अब्बा ने तीन तीन शादियां कर ली है, दो शरीफ है और मैं बुरा हूँ। अबे ये तो वो वाली बात हो गई कि मैं करूँ तो साला कैरेक्टर लीला है, ऐसे ना देखा कर मुझे। हाँ A1 कैरेक्टर है मेरा, बातें करते हैं सारे, वैसे उसकी बीवियां बड़ी खूबसूरत है भाई। हाँ जी अच्छा क्या हुआ? क्या माफी मांग ली मैंने? आपने माफी मांग ली, उसने माफ कर भी दिया? हाँ ना माफ कर दिया उसने,
ये भी टेंशन किस बात की यार, लेकिन एक मसला हो गया सर, उससे बात करके ना मुझे और ज्यादा मोहब्बत हो गई उससे यार, मतलब गई भैंस पानी में। जानता है जब मैं उससे बात कर रहा था तो मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। आशिक भाई आपसे शादी करके ना वो और ज्यादा दुखी और ज्यादा परेशान हो जाएगी, मैं बोल रहा हूँ आपको। क्यों आशिक भाई, आप हमारे तो हो नहीं है, आपसे शादी करके तो उसके दो परेशानी बढ़ जाएंगे ना कि नहीं, ऊपर से आपकी तीन तीन बीवियां उसका जीना आराम कर देंगी। बोलो। मैं ख्याल करूंगा उसका। आप ना पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आपको। आशिक भाई उसका ख्याल वैसे निकाल दो। ऐसा नहीं हो सकता सर, मेरा इश्क अब उरूज में पहुंच चुका है। बातें सुनी है उसकी, बोलने का अंदाज देखा है, कैसे मीठा मीठा बोलती है, धीमे धीमे पढ़े लिखे अंदाज में। हाय पछताए ये पाया कि इस इतवार को तू मेरा रिश्ता लेके जा रही है। जल्दी। हाँ बस तय हो गया ये सलीम, मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे यही लड़की सुधारेगी मुझे, यकीन मान। आशिक भाई एक तो ये जो आपको लगता है ना, मेरे को लगता है कि आप पागल हो। पागल तू जाएगा या नहीं जाएगा? अरे बाबा आशिक भाई मेरे को तू जाएगा या नहीं जाएगा? अब बाबा मैं आ जाऊंगा, आगे से इनकार हो गया तो जान दे दूंगा अपनी। कैसी बातें कर रहे हो, होश में तो? अरे तू क्या समझेगा यार, होश उड़ा दी है इस लड़की ने, खुदा की कसम। जैसे इससे पहले तीन बार हुए थे ना आपके, वो अबे ये और है यार, अब नहीं समझेगा। आशिक भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को पता चल गया आपका, आपकी बीमारी का मेरे को पता चल गया, आपका कुछ नहीं हो सकता। पिया का रंग लागा।